सादर नमस्कार। इतिहास साक्षी है, भारतवर्ष में जनमानस के समन्वय की कमी के कारण बहुत बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर अपनी लालसा भरी निगाह डाली तो कौटिल्य जैसे गुरु ने देशव्यापी राजाओं के समन्वय कर निश्चल साहस किया। मां भारती के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी के शासन में जहां सारी जनता से बराबर व्यवहार किया, सरदार पटेल के प्रयास से भारत एक गणराज्य बन सका, परंतु कहीं ना कहीं समन्वय में कमी रहती रही और भारतवर्ष को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पानीपत का तीसरा युद्ध जहां धर्म का समन्वय की कमी खली और कई राजा युद्ध में साथ देने नहीं आए। 1857 की क्रांति जो कि समन्वय की कमी के कारण फलित नहीं हुआ। इस कमी की वजह से भारत का इतिहास ही दूसरे रुख लेता गया। प्रश्न आता है कि समन्वय किस चीज का? बस वैचारिक। बहुत लोग अपने को बड़ा दिखाने के कारण असल प्रयास को भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसे में पूर्ण समन्वय की संकल्पना क्या होगी, जिसमें मुख्य विचार प्रबल हो, मुख्य कर्म क्रियान्वित हो और धर्म की सच्ची रक्षा और प्रतिष्ठा हो। हमें धर्म कर्म और अंतर मन का पूर्ण समन्वय चाहिए, नहीं तो हम इतिहास की गलतियां दोहराते रहेंगे। चार धाम, तीर्थ यात्रा, मंदिरों का निर्माण, गुरुकुल इत्यादि हमारी संस्कृति में डाली, जिससे लोगों को पास लाने और एकता में बांधने का मौलिक ढांचा हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया। यह फंडामेंटल बेस बना हमारी सभ्यता संस्कृति का, और आज का युग में संस्कृति का प्रचलन के नए बेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा, चारधाम की राह, मंदिरों का डिजाइन निर्माण आर्किटेक्चर सब उसी का प्रतीक है। टॉप डाउन समन्वय एक लिमिट तक बाहरी सुरक्षा देता है, लोगों के बीच आंतरिक समन्वय सर्वोपरि है। बात करने के माध्यम से अधिक बात सुनने का माध्यम संस्कृति को जीवित बनाता है। ऐसे ही एक प्रयास एबीवीपी कर रहा है, एबीवीपी ऐप, जिसमें हम पूरे देश को एक माध्यम दे रहे हैं जहां संस्कृति उभर कर बाहर दिखे। ज्वाइन एंड बिकम पार्ट ऑफ द महाहिंदू राष्ट्र समन्वय। डिस्कस, डिसाइड, डू। एबीवीपी ऐप 25,000 छात्रों का सोशल नेटवर्क बन चुका है। 25 करोड़ तक हम सबको मिलकर पहुंचाना है। यह समन्वय डिजिटल माध्यम से ही सही, परंतु हमारे भविष्य निर्माताओं को हर क्षण अपने तन ज्ञान भक्ति और कर्म को भारत माँ को समर्पित करने का माध्यम देता है। वंदे मातरम।